से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2023 का जो प्रोग्राम चल रहा था उसका तीसरा दिन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं रायसर, रायसर की बात करें अपन तो यहाँ से बीकानेर से 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए कितने सारे धोरे हैं यहाँ पे कैमल। आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पर प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कबड्डी है, पगड़ी बांधना, मटका रेस, धोरों पर रेस और भी काफ़ी, जैसे सैंड आर्ट है, भारतीय संस्कृति में जैसे विदेशियों की शादियां हैं, रेत में गाड़ी चलाना, हॉट एयर बैलून, कैमल कार्ट सफारी, कैमल रेस, हॉर्स डांस, काफ़ी प्रोग्राम होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रायसर में अपन आए हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं बताऊँ आपको, अपन देखते हैं पूरा रायसर का मज़ा। आइए वीडियो में बनी रही, आइए मेरे साथ। बात करें तो देखिए जो कला है मिट्टी पे कला है, इंग्लिश में इसको सैंड आर्ट बोलते हैं। और आपको बताऊं, देखिए राजस्थान का जो टूरिज्म का स्लोग लिखा हुआ, पधारो हमारे देश। और जस्ट आप ऊपर देख पा रहे होंगे, देखिए कैमल फेस्टिवल है तो उसका कैमल का बना रखा है। जस्ट बीच में आप देखिए, जहाँ के बीकानेर के जो राजा महाराजा थे उनके जैसे बाल है, डाडिया है, वैसे जस्ट आप पीछे आप साइड में देखोगे तो ये देखिए जूनागढ़ की दीवार बना रखी है। और ऐसे आप ऊपर से देखोगे तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये देखिए शानदार वाली बनाई है। और मैं आपको आगे की तरफ बनाऊँ, ये इनकी इस हेमंत और महेंद्र की टीम ने बनाई है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस सैंड आर्ट को बनाने में 2 दिन का समय लगा है। और आप देखिए कितना शानदार है रायसर के दौरे। शाम देखो कबड्डी भी प्रोग्राम भी चल रहा है, देखिए देसी और विदेशी पर्यटकों में। ये देखिए कितना कैमल फेस्टिवल कितना शानदार अद्भुत नजारा है, देखिए कितने धोरे हैं। इन धोरों पे बहुत से प्रोग्राम होने बाकी है, जैसे मटका रोड है और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, अपन देखेंगे। काफी दूर घूमने के बाद मैं बताऊँ, आप पीछे देख पा रहे होंगे इसको हॉट एयर बैलून बोलते हैं। तो हॉट एयर बैलून का देखिए कितना शानदार नजारा है, देखिए कितना शानदार में आसमान में नीले गगन में उड़ते हुए देखिए मन को मोहित कर लेता है। देखिए अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, जितना सुंदर बोले उतना सुंदर नज़ारा है देखिए। और मैं आपको बता दूं कि अपन भी यहाँ देखते हैं इसमें हॉट एयर बैलून में घूमने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। यदि अपना नंबर आएगा तो अपन भी आपको ऊपर का व्यू दिखाऊँगा। आगे के प्रोग्राम में मित्रों देखिए मटका रेस हो रही है आपके सामने, देखिए महिला प्रतिभागी ले रही है, देखिए देखिए इतना शानदार है। पुलिस के जवान है और गाँव के लोग है दौड़ करते हुए, देखिए मटका रेस और ये कैमल फेस्टिवल का नज़ारा है रायसर के दौरों में, देखिए ये देखिए। और वो पुलिस के जवान है वो जीत, दूसरी तरफ से ये देखिए चालू हो गए, देखिए ये देखिए देखिए कितनी शानदार प्रतिस्पर्धा है, देखिए आप ये देखिए। और ये जीत चुके हैं, जो ऊपर का नजारा रायसर के देखिए। और अपना आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी जैसे जैसलमेर की तरफ दौरे हैं, डेजर्ट कैंप है, सैंड ड्यून्स है, हाउस
है कि सैलानियों की भीड़ है देसी और विदेशी। ये अपन डेजर्ट कैंप की तरफ चल रहे हैं, ये नीचे का नज़ारा देखे। कैमल फेस्टिवल है तो खूब सारे कैमल है और काफ़ी लोग कैमल सफारी कर रहे हैं। और ये देखिए दीवार पे ऐसे जैसलमेर की तरह देखिए कलाकारी कर रखी है, देखिए और वही झोपड़ियाँ बना रखी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आगे की बात करूँ तो देखिए पतंगबाजी भी हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए इधर कैमल सफारी घूम करके दिखाऊँ आपको, देखिए। और ये रायसर के दौरे हैं जो बीकानेर में है, पूरा एज इट इज विदेशी सैलानी शुरू हुए। देखिए ये लोग पतंगबाजी करते हुए मकर संक्रांति चल गई है। ये आपको मैं बता दूँ, देखिए राजस्थान संस्कृति करते हुए। ये देखिए सामने जो आपको कैंप दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है जो राजस्थानी गाने या अदर सॉन्ग चलते हैं। ये देखिए और मैं परमजीत सफारी और कैमल सफारी की तरफ चलते हैं। ये गाइस आपको देखिए मेरे साढ़े साल चंद्र जी कैमल सफारी कर रहे हैं। देखिए जो रेगिस्तान का जहाज है, ये देखिए पीछे का नज़ारा है। ये रेत के धोरों में देखिए, ये आपके ऊंट का क्या नाम है इसका? तारू। तारू आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुवर। कितने टाइम से कर रहे हो आप इधर? मेरा 23 साल का बताऊं यहाँ पे। ये देखिए कैमल सफारी इन राइसर की तरफ, देखिए पीछे की तरफ आ गए हैं। देखिए रायसर के दौरों में, और देखिए ये है जो कैंप अपन रात को विश्राम कर सकते, रेस्ट कर सकते हैं। और दौरों में देखिए बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई है। और मैं आपको आगे की तरफ कैमल सफारी और वहाँ लेके जा रहा हूँ। गाइस मुझे जो रायसर के दौरे हैं आप मैंने आपको दिखाए हैं, कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देशी विदेशी पर्यटक, क्योंकि अपन अपनी संस्कृति राजस्थान संस्कृति को जिंदा नहीं रखेंगे तो लोगों तक कैसे पहुँचेगी। देखिए ये देखिए आगे की तरफ मैं आपको जूम करके देखिए, लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। देखिए आगे की तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, काफ़ी सैलानी खरीद भी रहे हैं। देखिए जैसे चद्दर है, कुछ पत्थर से बने हुए हैं, कुछ लकड़ी से बने हैं। देखिए ये देखिए आप नेचुरल प्रोडक्ट भी यहाँ पे है। देखिए काफ़ी राजस्थानी जो संस्कृति में अपन यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए कंबल है, क्योंकि मैं आप बताऊँ बीकानेर की कंबल है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कि यहाँ की पेंटिंग देखिए, ये देखिए कितनी शानदार है। और आगे चलने बाद देखिए पानी का तालाब है दोनों में, ये देखिए।
देवी और सज्जनों, मैं आपको बताऊं, जो कैमल फेस्टिवल था बीकानेर में था, उसका जो 3 दिन का प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि अपन ने वीडियो के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति देखी है, यहाँ के कल्चर को देखा है और यहाँ के नवाचार को देखा है। तो मैं बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, कमेंट करे दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब करे, इसी प्रकार अपना प्यार दिखाते रहे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा एंड लव यू।